पहले सम्राट अशोक और शराबबंदी पर आर पार, फिर यूपी में जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर घमासान। कभी बीजेपी करती है निराश, कभी जगाती है आस। पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा नहीं। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़े। अब मुकेश सहनी और बीजेपी में जुबानी वार पलटवार। जो लोग बोलते हैं वो देर क्यों करते हैं, उनको जब अगर बोलते हैं तो उस पर काम करना चाहिए, उन्हीं से पूछिए ये बात। कोई गिदर भभकी दे रहा है तो गिदर भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदर भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम करे। फालतू का गिदर भभकी किन्हीं को देना नहीं चाहिए। सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार चल रही है, हम मजबूती से यहाँ पे काम कर रहे, तो आपको किस वजह से तकलीफ है? आपको इस सरकार के साथ अगर तकलीफ है तो आप चले जाइए बाहर, हम क्यों चले जाए? हम तो सरकार बनाए हैं और आप तो अनुकंपा पे आप लोग हैं। आपके टॉप लीडर को बोलिए हमको बाहर चले जाने के लिए, हम दो मिनट में चले जाएंगे। दिल्ली के जो आपके नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेपी नड्डा साहब हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो बोल दे या आप निर्णय ले लो। ये सरकार हमारी है, हमको कौन होता है बोलने वाला सरकार में रहना नहीं रहना, आप हमको दिखाओगे बताओगे। मुकेश सहनी का लालू तेजस्वी के लिए उमड़ा प्यार। और लालू जी के सुपुत्र हैं, हमने उनके साथ काम भी किया, वो बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है, तो ये हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा। कल भी मेरा छोटा भाई था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। रहा राजनीति, वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। जिस रोज हम दोनों का विचार मिल जाएगा, उस रोज राजनीति भी साथ में हो सकता है। आरजेडी भी मुकेश सहनी को साथ लाने को बेकरार। थोड़ा सा भटक गए थे, प्रलोभन दिया था बीजेपी वालों ने। ये तो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, ये लालू यादव के मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो कुछ कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं और दिल से कहकर और सामाजिक न्याय का समर्थन कर रहे हैं और जी बीजेपी को हाशिए पर डालेंगे आने वाले समय में। और आदरणीय लालू यादव को नेता मानते हैं, कल भी मानते हैं, आज भी और कल भी मानेंगे नेता, और हमारे हैं और हमारे रहेंगे। बीजेपी ने कहा जाना है तो जाओ, चलती रहेगी सरकार। हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या करते रहेगी। मांझी की पार्टी ने कहा अब चुप्पी तोड़े नीतीश कुमार। तब बढ़ा है जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो तमाम विवाद का सलटा लिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, जबरदस्त मारधाड़ है। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार है, जबरदस्त मारधाड़ है, और इस मारधाड़ का लुत्फ उठाइए क्योंकि सरकार में तो मारधाड़ कर रहे हैं आपस में सहयोगी। जिस सरकार से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने विकास की, रोजगार की, वो सरकार तो अभी आपस में उलझी हुई है सियासत में, बयानबाजी में। कहने के लिए कहेंगे हमारे भी चट्टानी एकता है, लेकिन वो कौन सा चट्टान है जिसकी एकता इस कदर हो सकती है, जिसमें हर रोज एक दूसरे को कोसने वाला बयान सामने आता है। क्योंकि कहने को तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अमूमन डबल इंजन में गाड़ी तेज रफ्तार से चलती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर इंजन एक दिशा में चले। बिहार के डबल इंजन की सरकार में एक इंजन पूरब तो दूसरा पश्चिम चल रहा है। डबल इंजन की सरकार में एक्शन और मारधाड़ है और अपराधियों, बेरोजगारों और शराब माफियाओं की बहार है। जिसको जहां जाना है जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सरकार के साथ अगर तकलीफ है तो आप चले जाइए बाहर, हम क्यों चले जाएं? कोई गिदर भभकी दे रहा है तो गिदर भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदर भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम कर। बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है, तो ये हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा भटक गए थे, प्रलोभन दिया था बीजेपी वालों ने। ये तो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, ये लालू यादव के मानने वाले लोग हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिस डबल इंजन की सरकार के बूते बिहार में विकास की बयार बहाने का दम भरा जा रहा था, उस डबल इंजन की सरकार के इंजन और बोगियां आपस में ही मारधाड़ में उलझी हैं। पहले तो बीजेपी और जेडीयू में सोशल मीडिया पर खूब वार हुआ। सम्राट अशोक के बहाने उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने हमला किया, तो जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी पलटवार किया। वार पलटवार का सिलसिला बढ़कर शराबबंदी पर पहुंच गया। इधर बिहार में वार पलटवार चल रहा था, उधर यूपी में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन को लेकर अंदरखाने घमासान चल रहा था। जेडीयू बीजेपी से 30 सीट मांगता रहा, लेकिन बीजेपी ने भाव नहीं दिया, तो जेडीयू ने कहा नाराज नहीं निराश हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर आस भी जग गई। पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा नहीं। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर के चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। इधर जेडीयू बीजेपी में टर्शन चल ही रहा था कि एक और दिलजले सामने आ गए। मुकेश सहनी, जिनका आरजेडी से दिल टूटा था और बीजेपी से दिल जोड़ा था, उनका दिल अब तेजस्वी और लालू के लिए फिर धड़कने लगा है और बीजेपी पर बरसने लगा है, तो जवाब में आरजेडी भी मुकेश सहनी का दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार है। और लालू जी के सुपुत्र हैं, हमने उनके साथ काम भी किया, वो बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है, तो ये हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा। कल भी मेरा छोटा भाई था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। रहा राजनीति, वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। जिस रोज हम दोनों का विचार मिल जाएगा उस रोज राजनीति भी साथ में हो सकता है। थोड़ा सा भटक गए थे, प्रलोभन दिया था बीजेपी वालों ने। ये तो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, ये लालू यादव के मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो कुछ कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं और दिल से कहकर और सामाजिक न्याय का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को हाशिए पर डालेंगे आने वाले समय में। और आदरणीय लालू यादव को नेता मानते हैं, कल भी मानते हैं, आज भी और कल भी मानेंगे नेता, और हमारे हैं और हमारे रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने मुकेश सहनी को दो टूक कह दिया, जहां जाना है वहां जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग बोलते हैं वो देर क्यों करते हैं, उनको जब अगर बोलते हैं तो उस पर काम करना चाहिए, उन्हीं से पूछिए ये बात। कोई गिदर भभकी दे रहा है तो गिदर भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदर भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम करे। फालतू का गिदर भभकी किन्हीं को देना नहीं चाहिए। हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या करते रहेगी। मतलब डबल इंजन में इंजन से लेकर बोगी तक एक दूसरे से भिड़कर डिरेल होने को तैयार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे सीएम नीतीश और बीजेपी के शीर्ष नेता चुप्पी साधे हैं, तो ये चुप्पी तोड़ने के लिए अब मांझी की पार्टी ने गुहार लगाई है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। मतलब बिहार में डबल इंजन नहीं, एक्शन और मारधाड़ से भरपूर सरकार है और अपराधियों, बेरोजगारों और शराब माफियाओं की बहार है, फिर भी नीतीश कुमार। लेकिन बिहार में ये सब कुछ हो क्यों रहा है अचानक? तो इसकी वजह है, इसके पीछे की वजह पटना से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ तो नहीं, क्योंकि यूपी में जब से चुनाव की घोषणा हुई और चुनावी गहमा गहमी शुरू हुई, तब से बिहार में बयानबाजी शुरू हुई।
और यूपी में जेडीयू बीजेपी में गठबंधन को लेकर अभी भी बयानबाजी का दौर बिहार में जारी है। जेडीयू उपाध्यक्ष ललन पासवान ने बीजेपी से पूर्वी यूपी की 51 सीटें देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मिलकर साथ लड़ेंगे तो फायदा होगा, अगर अलग लड़े तो नुकसान भी सहने को तैयार रहना होगा। तो जेडीयू के ही एक और नेता जयकुमार सिंह ने कहा, जेडीयू बीजेपी के साथ सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार है, पार्टी बीजेपी की सिटिंग सीटों की मांग नहीं कर रही। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर शीर्ष नेतृत्व ही फैसला लेगा, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने जेडीयू को नसीहत दी है और कहा है कि जेडीयू को यूपी में बीजेपी के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बीजेपी के लिए काम करना चाहिए। वहीं आरजेडी इस पर तंज कस रहा है। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, यूपी में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन नहीं होगा, बीजेपी 2-4 सीट जेडीयू को दे दे तो वही ज्यादा। जब साथे लड़ेगी तो उसको लाभ होगा, और साथे नहीं लड़ेगी तो 10 से 50 चार कट्टे, 20 चार कट्टे, 50 चार कट्टे व्यक्ति के ऊपर, कैंडिडेट का और नीतीश कुमार के चरित्र का और उनके विकास के कामों का वोट है, तो निश्चित तौर से उसमें बताने की बात है कि नुकसान नहीं होगी, होगी तो दोनों और नुकसान होगी। और वो 2-4 सीट दे देगा तो बहुत है, क्योंकि इनका जब बिहार में नहीं चला सिक्का तो उत्तर प्रदेश में चलेगा, वहाँ अखिलेश यादव का जय जयकार है, वहाँ सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है। अरे सभी देश में सभी राज्यों के राजा नीतीश कुमार रहेंगे, संभव है? वोट न भाट अंग्रेजी बाजा, बिहार तो संभल ही नहीं रहा है, दूसरे प्रदेश में चले हैं चुनाव लड़ने के लिए, टाइम टाइम फीस हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी, के सी त्यागी जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, और चूंकि एक सूची जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो सूची में दी गई है वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सूची दी गई है जो चुनाव लड़ने लायक हैं, और उस पर विचार हुआ, गंभीरता से विचार हुआ, और चूंकि माननीय मंत्री आरसीपी जी को अधिकृत किया गया है, वहाँ से गठबंधन में हम लोग बिहार में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो इसकी भरपूर प्रयास की जा रही है। तो अब ये देखिए, वो अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हैं, ये उनका काम है, वो अपना करें, उनको जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के विरोध में कभी नहीं है, और अगर विरोध में रहती तो उनको चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी अपनी सीट देकर के एमएलसी नहीं बनाती, सरकार में मंत्री नहीं बनाती, ये तो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी मुकेश सहनी को कितना चाहती। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं होने को लेकर बयानबाजी जारी है, आरोपों की राजनीति हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर दोनों पार्टियों के नेता इसलिए एक दूसरे पर पिछले कई दिनों से सियासी हमला बोल रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली में कशिश न्यूज से बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी का अटूट गठबंधन है, यूपी में गठबंधन होगा या नहीं इसे लेकर शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत जारी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। सीएम नीतीश को आरजेडी से ऑफर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन कितने दिनों तक सरकार चली थी सबको पता है। गठबंधन है, ये रहेगा जहां तक यूपी का सवाल है, लेकिन यूपी में जो गठबंधन के हमारे साथी हैं, निषाद पार्टी जो बहुत मजबूत निषादों के संगठन है उनसे, और अपने अपना दल जो है उसके साथ गठबंधन के साथी की बैठकें भी हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं और गठबंधन कुछ होना है तो उसके बारे में पार्टी जब तय करेगी तो हम सूचना देंगे। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, सब इंडिया इंटैक्ट है, और जहां बर्तन रहता है एक घर में कभी कभी बजते रहता है। अब राष्ट्रीय जनता दल के बारे में क्या कहूँ, राष्ट्रीय जनता दल तो था ही नीतीश कुमार जी के साथ, कितना दिन चला, और ये जनता दल यू और नीतीश कुमार का जो हमारे साथ गठबंधन है सालों का है। तो अभी तो सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन सुपरहिट एक्शन और मारधाड़ से भरपूर ये सिनेमा जो है सियासी सिनेमा आपको एनडीए की तरफ से दिखाया जा रहा है, लुत्फ उठाते रहिए। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। नालंदा में जहरीली शराब से 13 के लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद माफिया को पकड़ने के बजाय प्रशासन अब उस छोटी पहाड़ी मोहल्ले जहां पर मौत हुई लोगों की, उस मोहल्ले के सभी लोगों को कह रहा है कि घर खाली कर, और लोग परेशान हैं, इस ठंड में जाएं तो जाएं कहां, मतलब माफिया पर मेहरबान आम जनता परेशान।
आप देख रहे हैं बात से पाठ। एक कहावत है, करे कोई भरे कोई। नालंदा में जहरीली शराब से हुई 13 लोगों की मौत के बाद स्थिति यही नजर आ रही है। नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई में जुटा है, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कम, वैसे लोगों के खिलाफ कम जो उस मोहल्ले में रहते हैं। वैसे लोगों के मकान और जमीन पर नोटिस चिपका दिया गया है जो अवैध तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। अब उन्हें अवैध लगने लगा है, इतने सालों से अवैध नहीं लग रहा था। पोस्टर चिपकने के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतरे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित महिलाओं ने एक सुर में कहा, दोषी कोई और है और सजा किसी और को दिया जा रहा है। दोषी कुछ लोग हैं और खामियाजा पूरे मोहल्ले वासियों को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस कभी भी उनके घर आकर तलाशी शुरू कर देती है। मोहल्ले वासी अपना अपना काम छोड़कर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्योंकि अब उनके सामने अपने घर, अपनी छत बचाने की जरूरत आन पड़ी है। मोहल्ले की साबो देवी ने बताया कि कई वर्षों से इस पहाड़ी पर वो रह रही हैं। अवैध तब प्रशासन को नहीं लगा था। मोहल्ले में ही रहने वाली कुंती देवी ने बताया कि पुलिस उन लोगों से शराब कारोबारियों के बारे में पूछताछ करने आती है। प्रशासन को सारे धंधेबाजों के बारे में जानकारी है, बावजूद मोहल्ले वासियों को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। जबकि सदर SDO कुमार अनुराग का दावा है कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र का सर्वे कराना जरूरी है और पता चल पाएगा कि किनके पास मकान, जमीन से संबंधित कागजात हैं, कौन अवैध रूप से रह रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसीलिए जिला प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। तो क्या मोहल्ले के सभी लोग दोषी हैं? और अगर अवैध रूप से ये लोग रह रहे थे तो क्या अचानक प्रशासन की नींद खुली, अचानक याद आया कि ये अवैध रूप से रह रहे हैं? इससे पहले अवैध रूप से रह रहे हैं लोगों को क्यों नहीं हटाने की कोशिश की गई? या फिर शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत की विफलता को छिपाने की एक कोशिश भर है? क्योंकि थानेदार को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इसमें कार्रवाई तो DMSP तक हो जानी चाहिए, क्योंकि जहां पर 13 लोगों की मौत हुई है, छोटी पहाड़ी मोहल्ला, वो मोहल्ला बस 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां से DM और SP का मुख्यालय है। CM के गृह जिले में प्रशासन लाचार नजर आता है माफियाओं के सामने, क्योंकि नालंदा जिला मुख्यालय जहां DM और SP बैठते हैं, वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर छोटी पहाड़ी है। गूगल मैप में भी जाकर आप देख सकते हैं, और उसी छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब का धंधा फल फूल रहा था। तब DM और SP को भनक नहीं लगी, पुलिस को भनक नहीं लगी, और ना ये लोग अवैध नजर आए। जहरीली शराब पीने से 13 से ज्यादा की मौत हो गई, तो उसके बाद अब उस पूरे मोहल्ले को खाली कराने की कोशिश हो रही है। वो पूरा मोहल्ला ही अवैध नजर आ रहा है। सवाल है कि आखिर उन मोहल्ले वासियों की सिर्फ गलती है या फिर प्रशासन की भी? आखिर CM की समीक्षा के 2 महीने के अंदर, क्योंकि 16 नवंबर को समीक्षा की गई थी, जब पिछले साल एक के बाद एक 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब से मौत हो गई CM की समीक्षा के 2 महीने के अंदर, और CM ने तमाम निर्देश दिए, CM के निर्देश के बावजूद इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हो गया? उस फेल्योर की जवाबदेही कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? और DM ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर जहरीली शराब का धंधा चल कैसे रहा था? तो क्या प्रशासन की इसमें मिली भगत नहीं मानी जाए? प्रशासन की क्या गलती नहीं मानी जाए? दुल्हन के कमरे में बोतल ढूंढने वाली जो पुलिस है, वो शराब माफिया के आगे लाचार क्यों हो जाती है? और क्या थानेदार पर कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति नहीं है? ये सवाल पटना हाईकोर्ट ने भी कल ही पूछा है कि क्यों ना माना जाए कि शराब माफियाओं और प्रशासन में मिली भगत है, क्योंकि शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कल ही पटना हाईकोर्ट ने लताड़ भी लगाई है, फटकार भी लगाई है, और कहा है सीधे सीधे कि शराब माफियाओं और पुलिस की मिली भगत क्यों ना मानी जाए, और पूछा है कि अब तक कितने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जवाब देना होगा पटना हाईकोर्ट में, क्योंकि माफियाओं को आप पकड़ते नहीं, आम जनता को परेशान करते हैं। इन सब के बीच झारखंड का रुख करेंगे। अब झारखंड से खबर है, नक्सलियों ने कमांडर प्रशांत बोस की रिहाई की मांग को लेकर 27 जनवरी को बंद का ऐलान किया है। 27 जनवरी को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है नक्सलियों ने।
21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस नक्सली मनाएंगे। अब सवाल है, नक्सली कमांडर प्रशांत बोस कौन है जिसके लिए नक्सली बंद का ऐलान कर रहे हैं और उसकी रिहाई के लिए नक्सली बौखलाए क्यों हैं? दरअसल झारखंड बंद के साथ प्रतिरोध दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। तो आपको बताते हैं नक्सली प्रशांत बोस के बारे में। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस है और उसकी पत्नी शीला मरांडी को 12 नवंबर 2021 को जमशेदपुर के पास कांड्रा टोल ब्रिज पर एक गाड़ी में पकड़ा गया था। इसके अलावा पुलिस 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। प्रशांत बोस भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य और उनके ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का सचिव है। नक्सली संगठन में उसे किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस प्रशांत बोस को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सली संगठन के ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मानती है। प्रशांत बोस माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का संस्थापक सदस्य है जिसका सीपीआई माओवादी बनाने के लिए पीपुल्स वार ग्रुप में विलय हो गया था। प्रशांत बोस के खिलाफ झारखंड में करीब 50 मामले दर्ज हैं और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। प्रशांत बोस के पास से 1.5 लाख रुपए और एक पेन ड्राइव भी बरामद किया गया था। पेन ड्राइव में नक्सली संगठनों के बारे में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं पुलिस के हाथ लगी हैं। झारखंड सरकार ने गरीब राशन कार्डधारियों को राहत देने के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत गरीब राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति लीटर 25 रुपए की दर से सब्सिडी दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अब इस पर राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी देने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत ज्यादा जटिल बना रही है। वहीं विपक्ष से सवालों पर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश अर्चना ने कहा कि बीजेपी को हर वो कार्य जटिल लगता है जिसे राज्य की गरीब जनता को फायदा पहुंचे। 25 रुपए सब्सिडी की घोषणा की थी गरीबों के लिए प्रति लीटर पेट्रोल में, उसकी पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि मुझे लगता है गरीबों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कैबिनेट के कई मंत्री भी अगर लाभुक होते तो जाने प्राय दिल का हाल। ये वाली कहावत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चरितार्थ होती है। भारतीय जनता पार्टी को हर उस कामों में जटिलता या अड़चने लगती है जिस काम से राज्य की जनता को फायदा पहुंचे, क्योंकि ये तो जुमलेबाज पार्टी के लोग हैं। इन्हें तो लगता है कि जुमला बोलना जितना सरल है उतना आम जनता को, आम जनमानस को फायदा पहुंचाना सरल नहीं। आपको बता दें 26 जनवरी से ये योजना शुरू की जाएगी और यकीनन 26 जनवरी से शुरू हो रही ये योजना अगर सफल होती है तो ये पहली बार होगा किसी राज्य में कि इस तरह की योजना, पेट्रोल पर सब्सिडी, गरीबों को 25 रुपए दिया जाएगा और अपने आप एक अनोखी योजना होगी। फिलहाल बात सपाट में इतना ही। नमस्कार।